हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ लेट मी टीच अबाउट जनरल नॉलेज। दिस इज़ योर 43rd चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फेस्टिवल्स इन वर्ड्स। इस चैप्टर में हम ये बात करने वाले हैं कि हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इसमें फेस्टिवल्स देखेंगे और हर फेस्टिवल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्क देखेंगे जो हम लोग फेस्टिवल किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो वे ऑफ सेलिब्रेशन भी एकदम ही डिफरेंट होगा। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट में पिक्चर दी हुई है और कुछ मैटर दिया हुआ है और आपको फिल करना है। ठीक है, तो देखिए FIB is celebrated on 14th February every year in the memory of Saint Valentine. ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है सेंट वैलेंटाइन की मेमोरी में। तो हम जानते हैं कि ये कौन सा हो जाएगा, वैलेंटाइंस डे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट फेस्टिवल है FIB फेस्टिवल इज़ अ हेल्ड इन दोधन। क्या है ये, एक ऐसा त्यौहार है जो कि दोधन में मनाया जाता है। एल्बामा इन ईच फॉल टू ऑनर पीनट ग्रोज एंड सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पीनट जो होती है, यानी मूँगफली होती है, मूँगफली की फसल को ग्रो करने के बाद जब उसे काटते हैं, उसे हार्वेस्ट करते हैं, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल को हम लोग पीनट के नाम से ही जानते हैं। ओके, ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैंटर्न फेस्टिवल। देखिए द लैंटर्न फेस्टिवल इज़ अ चाइनीज़ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 15th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ इन चाइनीज़ कैलेंडर। जो लैंटर्न फेस्टिवल है वो मनाया जाता है हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद 15 डेज के बाद। ठीक है, जब इस साल स्टार्ट होगा उसके 15 दिन बाद ये मनाया जाएगा आपके फर्स्ट मंथ में ही। किसके अकॉर्डिंग, चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल चिल्ड्रन गो आउट टू द टेम्पल्स एट नाइट कैरिंग पेपर लैंटर्न। और इस दिन क्या होता है, इस दिन सभी बच्चे क्या करते हैं, इस दिन सारे बच्चे टेम्पल जाते हैं पेपर लैंटर्न को लेकर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। सभी क्या कर रहे हैं, पेपर लैंटर्न को ऊपर उड़ा रहे हैं। तो ये हमारा लैंटर्न फेस्टिवल कहलाता है। हम फोर्थ फेस्टिवल में आते हैं, जो कि हमारा सुकोत। देखिए सुकोत क्या है, सुकोत इज़ अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल, यानी कि ये एक हफ्ता चलेगा। सेलिब्रेटेड इन ऑटम बाय द ज्यूज। और कब मनाया जाता है, ऑटम में सेलिब्रेट किया जाता है ज्यूज के थ्रू। ज्यूज लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं एंड कॉमन मोर्टिंग द प्रोविजन ऑफ फूड एंड शेल्टर बाय द गॉड्स। क्या करते हैं ये लोग इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, उनका ये नियम होता है कि जो भी हमें गॉड ने दिया है उन सभी के लिए क्या करते हैं, वो शुक्र करते हैं, यानी कि सभी के लिए थैंक्स करते हैं अपने गॉड को। ओके, नेक्स्ट है हमारा मार्दी ग्रास इज़ अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल। मार्दी ग्रास भी हमारा एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, यानी हफ्ते चलने वाला फेस्टिवल है। सेलिब्रेटेड इन द USA एंड ब्राज़ील। कहाँ मनाया जाता है, USA में और ब्राज़ील में। इट इज़ मार्क्ड बाय द स्पेक्चुलर कार्निवल्स। ये क्या, स्पेक्चुलर कार्निवल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर का फेस्टिवल है वो है हॉलोवीन। हॉलोवीन क्या है, हॉलोवीन मार्क द एंड ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ विंटर। जो हॉलोवीन है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके ईयर की स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी कि चाहे आप एंड द ईयर कह दो, मीन्स जब आपका साल ख़त्म होगा तभी मनाया जाता है, और विंटर की स्टार्टिंग में, साल के ख़त्म होने पर और विंटर की स्टार्टिंग में ये सेलिब्रेट किया जाता है हॉलोवीन। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन द ईव ऑफ दिस फेस्टिवल द सोल्स ऑफ द डेड आर अलाउड टू रिविजिट देयर होम्स। इस त्यौहार को मनाने वाले ऐसा मानते हैं कि इस त्यौहार को मनाने वाले ये मानते हैं कि शाम में सभी सोल्स उनके घर में अलाउ होती हैं आने जाने के लिए। मींस क्या है कि शाम के समय सोल्स का आना जाना होता है इस त्यौहार के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोंकरान। मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ट्रेडिशन द थाई न्यू ईयर। कह रहा है सोंकरान जो है ये हमारा एकदम स्टार्टिंग का त्यौहार है। ऑन दिस डे फिश ट्रैप इन द पॉन्ड। इस दिन क्या होता है, फिश को हम लोग पॉन्ड में, जो भी फिश पॉन्ड में ट्रैप रहती हैं आर फ्रीड, वो सारी फ्री कर दी जाती हैं। ठीक है, इस दिन क्या होता है, जितनी भी फिशेस पॉन्ड्स वगैरह में जो लोग पालते हैं या फिर जमा करते हैं उन सबको फ्री कर दिया जाता है।
एंड वाटर फाइट्स एंड बोट रेसेस आर हेल्ड. और क्या होता है, वाटर फाइट्स और बोट रेस भी की जाती है इस दिन. नेक्स्ट है आपका गवाईदायक. गवाईदायक क्या है, इट इज़ अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ मलेशिया. ये भी हमारा क्या है, वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, मीन्स हफ्तों चलने वाला त्यौहार है. और ये किसके थ्रू मनाया जाता है, मलेशिया के लोगों के द्वारा मनाया जाता है ये त्यौहार. ओके, नेक्स्ट है आपका 9th नंबर, योम कीपर. योम कीपर इज़ अ जैविस फेस्टिवल ऑफ द फास्टिंग टू प्रे फॉर एटोनमेंट ऑफ सिंस. क्या है ये, जो योम कीपर है वो मनाया जाता है ज्यूइश के थ्रू. और ज्यूइश लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें फास्ट रखते हैं, ठीक है, यानी फास्ट करते हैं, प्रे करते हैं. और जो भी उन्होंने सिंस किए हैं, जो भी उन्होंने क्या किए हैं, जो भी उन्होंने पाप किए हैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, ये ऐसा करते हैं, फास्ट रखते हैं, प्रे करते हैं और अपने गुनाहों यानी कि अपने पाप के लिए, अपने पाप के लिए प्रे करते हैं, मीन्स गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं. नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल ऑफ ट्रेज. फेस्टिवल ऑफ ट्रेज में क्या होता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई एवरी ईयर बाय द पुर्तगीज. ये क्या है, पुर्तगीज़ के थ्रू मनाया जाने वाला त्यौहार है, इसे हम लोग फेस्टिवल ऑफ ट्रे भी कहते हैं. क्या होता है इसमें, ऑन दिस डे 600 गर्ल्स वेयर हैट्स एज टॉल एज देमसेल्व्स. क्या कह रहे हैं, इस दिन 600 लड़कियां क्या करती हैं, एक ऐसा हैट पहने रहती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ठीक है, मींस जिसका हैट ज़्यादा लंबा होगा वही अच्छा माना जाएगा. ईच हैट इज़ इन द शेप ऑफ अ ट्रे विद अ बैम्बू स्टिक फ्रेम. जो भी ट्रे है उस ट्रे का शेप कैसा है, जो उनकी हैट है, सॉरी, जो उनकी हैट है, हैट का शेप कैसा है, ट्रे के जैसा है. और किससे बना हुआ है, बैम्बू स्टिक से बना हुआ है. अ टावर ऑफ ब्रेड एंड फ्लावर इज केप्ट इन दिस फ्रेम. और इस फ्रेम में क्या क्या रखा जाता है, ब्रेड रखे जाते हैं और फ्लावर्स रखे जाते हैं. इन दिस फ्रेम ऑन द टॉप साइड अ प्रीटी वाइट डव मेड ऑफ कॉटन. और क्या होता है, एक वाइट कॉटन का, देखिए डव वाइट कॉटन का एक हमारा कैप टाइप का बना होता है, ये देखिए, ठीक है, एज लॉन्ग एज ट्रे है ना, जितनी ज़्यादा लॉन्ग है सबकी, ठीक है. और क्या है, इनका ड्रेस भी वाइट कलर का है. और ये ट्रे कैसी बनी, बैम्बू की बनी हुई है. नेक्स्ट है प्रिटी विद डव आफ्टर दिस ब्रेड, आफ्टर दिस ब्रेड इज़ ब्लेस्ड. इनका ये मानना होता है कि ऐसा करने के बाद जो भी हमारा ब्रेड है या जो भी रोटी वगैरह उन्होंने रखी हुई है वो सब ब्लेस्ड हो जाता है. और फिर क्या किया जाता है, इट इज़ गिवन अवे टू द पुअर्स एंड द नीडी. और इसे गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता है. ओके, तो ये हमारे कुछ फेस्टिवल्स थे 10 जो कि हमारे इंडिया में ही मनाए जाते हैं या फिर कुछ बाहर भी मनाए जाते हैं. तो इन फेस्टिवल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.